दोस्तों मैं हूं सत्यम मौर्य और आप देख रहे हैं टेक्निकल फिलोसफर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़े खुशखबरी के बारे में, जो कि आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ी भी होगी कि पबजी भारत में फिर वापस आ रहा है। तो दोस्तों क्या इतना आसान है पबजी को भारत में फिर से आ पाना? अगर आ गया तो फिर परेशानी उसके पीछे क्या क्या है? अगर मान लीजिए पबजी कंपनी अगर भारत आना चाहती है तो उसको क्या क्या परेशानी और झेलनी पड़ेगी, और क्यों बैन हुआ, इसी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देरी न करते हुए चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों पबजी करीब 2 हफ्ते पहले बंद हुआ, उसके बाद उनके दर्शकों में काफी निराशा हुई। उनका यह कहना था कि नहीं पबजी को बंद नहीं होना चाहिए। कुछ गार्जियन कुछ पेरेंट्स का मानना था नहीं पबजी बंद हुआ अच्छा हुआ। गवर्नमेंट का जो बंद करने के लिए पीछे ओपिनियन था कि उसमें चाइनीज कंपनी का शेयर था। देखिए जो पबजी कॉरपोरेशन कंपनी जो कि मेन पबजी को चलाती है, ब्लू हेल कंपनी का एक पार्ट है, जो हमारा पबजी गेम होता है उसको पबजी कॉरपोरेशन के साथ साथ उसमें टेंसेंट कंपनी नाम की एक गेम्स कंपनी ने उसमें अपना शेयर लगा रखा है। और जो कि पबजी का मेन इंडिया में कारोबार है, जो कि मोबाइल वर्जन है, पबजी मोबाइल वर्जन में काफ़ी डेवलपमेंट उसने किया है और एशिया सहित एशियन कंट्रीज में काफ़ी उसने प्रचार प्रसार इसका किया है। तो टेंसेंट कंपनी की वजह से पबजी पर बैन लगाया गया भारतीय सरकार द्वारा, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने देखा होगा 118 कंपनियों पर जो बैन लगा उसके साथ पबजी को भी बैन किया गया। बैन होने का रीजन तो सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि उसके साथ टेंसेंट कंपनी का शेयर था, जो कि चाइना में बेस्ड कंपनी है, जो कि तो माना यह जा रहा है कि कोई भी डाटा हमारा प्राइवेसी अगर सिक्योर मतलब डाटा चोरी होता है तो चाइना के किसी सर्वर पर सेव हो सकता है जो कि टेंसेंट के थ्रू। तो इसको सरकार ने बंद करने के लिए इस गेम को बैन कर दिया। पबजी कंपनी ने बकायदा एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है कि हम टेंसेंट कंपनी के साथ जो भारत में हम कारोबार करने वाले हैं, भारत में कारोबार करने वाले उससे टेंसेंट कंपनी को हटा रहे हैं। हम पूरी तरह उस जो पबजी गेम आएगा वो पूरी तरह पबजी कॉरपोरेशन ऑफिशियल से लेकर हर जगह डील पबजी कॉरपोरेशन ही करेगा, टेंसेंट का कोई हिस्सेदारी भारत के कारोबार में नहीं रहेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि पबजी के साथ टेंसेंट कंपनी का डीलिंग खत्म हो गया, वो सिर्फ भारत के लिए ही बैन कर रहा है, उसको भारत के लिए हटा रहा है, और पूरे वर्ल्ड में जो भी उनका ग्लोबली काम चल रहा है वो टेंसेंट के साथ करते रहेंगे। कंपनी ने एक्सेप्ट किया, जो भी गवर्नमेंट ने फैसले लिए है वो डेटा सिक्योरिटी के उसका वो रिस्पेक्ट करती है, उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इंडिया में अपना कारोबार वो फिर से लाना चाहती है, क्योंकि पिछले हफ्ते काफी बिलियंस में लॉस हुए हैं पबजी कंपनी, जब से पबजी बैन हुआ है टेंसेंट को भी और पबजी को, दोनों कंपनियों को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो पबजी अपने आप को फिर बंद नहीं करना चाहती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो कि सबसे ज्यादा इनकम है वो पबजी से इंडिया में ही होता है। तो इसलिए पबजी इस टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहती है और टेंसेंट को दूर हटा के अपने गेम को खुद पबजी कॉरपोरेशन अपना देखेगी, हर चीज उसकी देखरेख पबजी कॉरपोरेशन, जो भी डेवलपमेंट का काम होगा, मोबाइल वर्जन काम होगा या डेस्कटॉप वर्जन काम होगा, लाइट होगा पबजी लाइट होगा, हर जगह वही कंपनी ही अपनी डीलिंग करेगी। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि इतना आसानी से आ जाएगा, अभी ये कंपनी गवर्नमेंट में रिव्यू भेजेगी कि हम फिर से आना चाहते हैं, अब हमारे डेटा का रिव्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट रिव्यू करती है उसे, अगर प्राइवेट लगता है कि हाँ ठीक है ये सही है इसे लाने लायक है इस पे अनबैन किया जा सकता है, तब जाके गवर्नमेंट अनबैन करती। अगर गवर्नमेंट को लगता है अभी भी डाटा सिक्योरिटी हमारी सिक्योर नहीं है तो उसके बाद गवर्नमेंट अभी भी बैन हटाएगी नहीं। तो ये 100% श्योर नहीं कहा जा सकता है कि पबजी आएगा, लेकिन पबजी के आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो क्या सोचने वाली बात है कि 1-2 हफ्ते में पबजी आ जाएगा? नहीं, इतना भी आसान नहीं है जल्दी, क्योंकि देखिए जो कि लीगल प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटल प्रोसेस होता है इसमें काफी टाइम लगेगा, कुछ महीने हो सकता है कुछ महीनों में आए। पबजी ने इतना बड़ा इंपैक्ट डाला है कि कुछ दोस्त तो बिल्कुल सदमे में जा चुके हैं, कुछ लोगों की पबजी क्या होता है एडिक्ट हो गए थे पबजी के, जो पबजी के एडिक्ट हो गए तो उन्हें तो बड़ी परेशानी हो रही है नॉर्मल लाइफ में अपने आने में। तो इसलिए उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी है कि पबजी फिर से आएगा, लेकिन अब कितना समय लगता है और गवर्नमेंट इसमें क्या बोलती है, अपना ओपिनियन क्या देती है, कंपनी किस टाइप से इसे हैंडल करती है, इसे देखने वाली ये बात होगी। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपको बताना जरूरी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा मिलता रहे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए टेक्निकल अपडेट्स और टेक्निकल नॉलेज के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।